सो गाइज वेलकम टू माय ट्यूशन सूरज सिंह मशीन। हमारे पास बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि छोटी सिलाई मशीन में जब नाल सेट करते हैं तो मशीन बहुत कड़ा चलता है। जिसे में आप लोग देख सकते हैं ये नाल है, ये सेट करने पर मशीन कड़ा चलता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा इसे कैसे सही करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, नाल को ओपन कर लेना है। ये दोनों नट को ओपन करने के बाद नाल को कुछ इस प्रकार से ओपन कर लेना है। नाल ओपन करने के बाद आप लोग को नाल को इसमें सबसे पहले मशीन में सबसे पहले आप लोग को सभी जगह तेल दे देना है। मशीन में तेल नहीं रहने के कारण भी हल्का सा मशीन जाम चलता है, कड़ा चलता है। इस नट को ओपन कर लेना है, जिसे हम देख सकते हैं कड़ा चल रहा है, सेटल ही कड़ा चल रहा है। मशीन तो सही है पर सेटल कड़ा चल रहा है। तो इसे आप लोग को हल्का सा एक नट, पहले इस नट को खोल लेना है। नट बहुत आसानी तरीके से आप लोग को खुल जाएगा। अब खोल के आप लोग को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कागज़ दे देना है, एक छोटा छोटा कागज़ या कपड़ा भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग को देख सकते हैं छोटा छोटा तीन कागज़ काट के तीनों कोना पर दे देना है, जिसी में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक यहाँ पर एक वहाँ पर। देने के बाद इसे हल्का सा कागज़ को अंदर की ओर ही रखना है, बाहर रखिएगा तो हो सके सेटल से टकरा के जाम भी चल सके। तो बाहर नहीं रखना है, हल्का सा अंदर ही कागज़ को रखना है। कागज़ को अंदर रखने के बाद आप लोग को रिंग को कुछ सही तरीके से सेट कर लेना है। कितने लोग होते हैं जो उल्टा लगा देते हैं रिंग, इस कारण भी दिक्कत हो सकता है। रिंग को सही सेट करने के बाद आप लोग को इस पत्ती को भी बढ़िया सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इस नट को पूरा फुल टाइट कर देना है। उसके बाद सेटर लगा के चला के देखना है। ये देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें आप लोग देख लीजिए कि कागज़ नहीं आ रहा, सेटर लगा के आप लोगों को घुमा के देखना है। बचांस सेटल हल्का सा जाम चल रहा है तो छोटा सा एक नट है, जो ये नट है बड़ा वाला, इस नट को हल्का सा ढीला कर देना है। इससे आपका मशीन एकदम फ्री चलेगा। उसके बाद सेट करके चला के देख लेना। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए।